आप सभी से निवेदन है, सभी बैठ जाएं, हाथ जोड़कर विनती है। आप सभी से विनती है, सभी बैठ जाएं, बच्चों बैठ जाओ, बैठ जाओ सभी, ये जो भाई खड़े हैं बैठ जाओ। आप लोगों को बता दूं, समस्त खेड़ी गुजर पूरे 36 बिरादरी ने भाई देवेंद्र कादियान जी को सपोर्ट किया है, और आज गुरु गोरखनाथ की इस पावन धरती पर हमारा पूरा जोगी समाज जो कि हमारे बीच विराजमान है, श्री राम कुमार जी भर्री से, श्री रामपाल जी, श्री मास्टर कपूर सिंह जी, प्रेमानंद जी, हरिओम जी, श्री ओम प्रकाश खेड़ी से, श्री दिलबाग सिंह भामर से, श्री रामचंद्र गन्नौर से, श्री गोपी राम जी, श्री रामनाथ सिंह जी, श्री मुकेश कुमार जी, श्री हुक्मा विजेंद्र जी, श्री महेंद्र सिंह जी, श्री बलवान सिंह जी, श्री पूरण सिंह जी, श्री जसवंत भोजी जी, श्री राजेश जी, श्री श्यामलाल शास्त्री जी, श्री मोनू जी सोनीपत से, श्री संदीप जी, श्री रामचंद्र नंबरदार जी गामड़ा से, गोपाल बैरागी जी रामनगर से, रामनिवास दहिया जी रामनगर से, और दिल्ली से कुछ हमारे सज्जन आए हैं, श्रीमान जयप्रकाश प्रधान जी भवाना से आए हैं, श्री रमेश भवाना से, श्री रामकरण जी, श्री जसवंत रोलत जी, श्री सतवीर सहरावत जी, श्री श्री भगवान जी, आप सभी सम्मानित मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों को और मेरे युवा साथियों का हार्दिक अभिनंदन है, कोटि कोटि नमन, एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। इसके अलावा जितने भी मेरी मातृशक्ति पीछे खड़ी है वो आगे आ जाएं, आपके लिए जगह है, थोड़ा रास्ता दे दीजिए, मातृशक्ति आगे आ जाए, बुला के लाओ भाई, मातृशक्ति को आगे ले आओ, रास्ता कराओ जी, अगर मातृशक्ति आगे आगे बैठ, थोड़ा थोड़ा आप इधर आ जाओ, थोड़ा 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 इधर आ जाओ जी, थोड़ा इधर आ जाओ भाई सब सारे, थोड़ा सरकलो इधर, मात्र शक्ति आगे आ जाए। ये पीछे जो भाई, ठीक है जी, ठीक है, मैं महाराज जी आप भी बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, कर लेंगे व्यवस्था, हम कराओगे, चिंता ना करो। महाराज जी श्री कंवर बहन जी हैं, एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत, जो कि यहाँ बाबा गोरखनाथ मंदिर पर सेवा कर रहे हैं, मात्र शक्ति से निवेदन है वो अपना स्थान ले लें, जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत पूरी मात्र शक्ति के लिए। मैं आप लोगों को बता दूं, जितने भी सरपंच महोदय ब्लॉक समिति के सदस्य जो पहुंचे हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, कोटि कोटि नमन है। मेरा आप सभी से निवेदन है, भाई देवेंद्र कादियान जी के काम गिनवाने की जरूरत नहीं है, भाई साहब 11 बजे से ये जनता आशीर्वाद देने के लिए आपके लिए बैठी है, एक बार दोनों हाथों से तालियों से अभिनंदन उठाकर मास्टर जी ने बहुत अच्छे अच्छे किस्से सुनाए, एक बार मास्टर जी के लिए जोरदार तालियां। मैं बता दूं आप लोगों को, दो मिनट के बाद हमारे बीच है भाई संदीप जी अचार वाला, मेरा भाई 51,000 रुपए की धनराशि से भाई देवेंद्र कादियान जी को मान सम्मान ताकत बढ़ाने का काम करने के लिए आया है, इस भाई के लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। संदीप जी हैं अचार वाले मेरे भाई हैं, 51,000 रुपए की धनराशि से भाई देवेंद्र कादियान जी का अभिनंदन और स्वागत, जोरदार तालियों से, जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत, जोरदार तालियां। भाई बिल्कुल सुबह से हमारे बीच बैठा है भाई, और बहुत ही अच्छा इंसान हमारे बीच, दिल्ली से हमारे एक सज्जन दिल्ली बवाना से आए हैं, श्री जय प्रकाश प्रधान जी बवाना से दिल्ली से पहुंचे हैं, जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। बवाना से हमारे बीच पहुंचे हैं श्रीमान सतबीर सहरावत जी 11,000 रुपए की धनराशि, जोरदार तालियां, 11,000 रुपए की धनराशि से भाई देवेंद्र कादियान जी का हौसला बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनकी ताकत बढ़ाने का काम कर रहे हैं, दिल से उनका धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं। हमारे बीच श्रीमान जसवंत रोहलत जी, जसवंत जी बड़े भाई हमारे बीच पहुंचे हैं, और 1100 रुपए की धनराशि से भाई देवेंद्र कादियान जी को ताकत बढ़ाने का काम कर रहे हैं, हल्के में इनके कई सारे जानकार हैं, उनको फोन करके रोज फोन करके सोते हैं, भाई देवेंद्र कादियान जी का सपोर्ट करनी है, जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। हमारे बीच श्री श्री भगवान जी हैं भवाना से, श्री श्री भगवान जी हैं, जो कि 1100 रुपए की धनराशि से भाई देवेंद्र कादियान जी का
साथ देंगे। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत, जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। मैं आप लोगों को बता दूं, पूरा समाज जो कि आज यहाँ एकत्रित हुआ है, जोगी समाज, वो पूरा जोगी समाज भाई देवेंद्र कादियान जी के साथ तन मन धन से साथ है। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। मैं निवेदन करूंगा सभी से अपना अपना स्थान ग्रहण करें। आपका बेटा, सभी से निवेदन करूंगा अपना अपना स्थान ग्रहण करें। कोना से हमारा पूरा एक समाज आया है, हमारा जो बैठ जो बवाड़ा से हमारे श्रीमान जयप्रकाश जी प्रधान जी हैं, श्रीमान सतवीर सहरावत जी हैं, जसवंत जी हैं और श्री भगवान जी। आप आइए, आप पगड़ी से भाई का सम्मान करेंगे और आप यहाँ हल्के में इसी के ऊपर रख देंगे। यहाँ हल्के में घूम घूम कर, गाँव गाँव घूम कर प्रचार करने का काम भी कर रहे हैं। जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। और बड़े भाई मैं बताऊँ, ये हमारे जो जगबीर तोमर जी हैं, जगबीर जी आप आओ, ये ससुराल पक्ष है इनका, ये ससुराल पक्ष है। कह रहे हैं गाँव गाँव में पूरा घूम रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं। ससुरालिया भी यहीं बुला लिया मैंने सारे। जोरदार तालियां तोमर साहब के लिए, दिल से हम धन्यवाद करते हैं। और हमारे अंकल जी हैं रतन सिंह जी, उनके लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। एक हमारे समर्थक आए हैं, कुछ कहना चाहते हैं। देखो जी, समय का अभाव है, ये भाई अभी रुक जाओ, ए भाई रोक दो, अभी रोक दो, अभी रोक दो। आपका शुभ नाम श्रीमान धर्मवीर कादियान जी के लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। सबसे पहले तो मैं सभी बुजुर्ग, सभी हमारे साथी, सभी माता बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यहाँ आप आए। मैं सिर्फ एक बात बताने के लिए खड़ा हुआ हूँ, ज्यादा कुछ नहीं बताऊँ। पहली बात तो मैं, ये हमारा बच्चा है, हमारे गांव हमारे सामने बड़ा हुआ है, जिस प्रकार की बातें, जिस प्रकार के ये वीडियो और इस प्रकार का जो जिक्र करते हैं, क्योंकि इनको बहुत खुजली होगी है। मैं आपको बताऊं, अगर किसी ने भाषण सुना हो जब प्रधानमंत्री 15 अगस्त को बोले, उसने अपने स्पीच में ये कहा था, मैं चाहता हूं जो पॉलिटिक्स में जिनका खानदान नहीं है, ऐसे बच्चों को हमने आगे बढ़ाना है। ये प्रधानमंत्री की बात है। जिस घर से कोई बच्चा पॉलिटिक्स में नहीं है, राजनीति में नहीं है, ऐसे परिवारों को आगे बढ़ाना है। इससे बढ़िया, इससे अच्छा परिवार क्या हो सकता है। और खुद प्रधानमंत्री ने ऐसे कैंडिडेट को, जो 9-10 साल से सेवा कर रहा है, उसको नेगलेक्ट करके एक राजनीतिक परिवार को, जिसके ऊपर क्या क्या आरोप आप सब जानते हैं, उसको टिकट दिया, कौन मेहनत करेगा। ये हमारे जैसा आप हम में से है, कोई पॉलिटिकल नेता नहीं है। इसके घर में सब खेती करने वाले, नौकरी करने वाले सब ऐसे आदमी हैं, और पूरा मेहनती परिवार है। कोई कुछ भी आरोप लगाए, अपनी मेहनत से अपने बलबूते पे आगे बढ़ाए। और आप सब साथियों का इसमें साथ है, अपने जैसे को, हमारे जैसे को, ऐसे को हमें बनाना चाहिए। ये पॉलिटिशियन है, इनको खुजली होगी, ये लड़का कैसे आगे बढ़ रहा है, ये कैसे नेता बन जाएगा, इनको तकलीफ है। और इसी तकलीफ का जवाब देना हमने, हम कोई वैसे नहीं है जो बार बार उसका भाई पहले बना, अब अपने भाई को दिला रहे हैं। कुलदीप का फादर मिनिस्टर रहा और वो बन चुका पहले भी, सारे पॉलिटिकल खानदान है, एक बच्चा निकल कर आ रहा है, इनको तकलीफ है कि साधारण घर का आया हुआ बच्चा ऐसे कैसे हमारे बीच में आ जाएगा, कैसे बन जाएगा। तो मुंह तोड़ जवाब देना है, मैं सिर्फ यही बात कर रहा हूँ, 5 तारीख को सारे साथी तन पन धन से, मेरे भाई इसका बच्चा है, मेरा भतीजा है, इसका पूरा समर्थन करना है। और देवेंद्र कादियान ने दिखा देना है मोदी जी को भी, बीजेपी को, कि कैसे नेगलेक्ट करते हैं ऐसे नेता। जब ये बनेगा तब उनको पता लगेगा हमने क्या किया। और मैं तो एक बात और कहता हूँ, मैं तो भाई गौड़ कर रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ, मैं खुश हूँ इसको टिकट नहीं मिला ना, बहुत बढ़िया, अब बनेगा अपने बलबूते पे बनेगा, क्योंकि लोगों के साथ, लोगों के साथ क्या क्या खेलते हैं, क्या क्या खेल देखते हैं आपने देखा है। कितने सालों से ये लड़का इतनी मेहनत कर रहा है,
पिछले साल भी पिछले इलेक्शन में भी इनको टिकट दिया, चलो कोई बात नहीं अगले में होगा। अब अगले में भी हुआ है धोखा, और फिर कहते हैं कि एम्बुलेंस चला रहे कि उसमें शराब जाती है, उसमें ये होता है, उसमें वो होता है। बहुत ही अच्छे घर से, बहुत मेहनती ईमानदार लड़का है, कोई कुछ भी आरोप लगाए किसी में विश्वास नहीं करना है। ठोक बजा के सभी ने इनको पूरी पूरी भरपूर सहयोग करना है, वोट देनी है। धन्यवाद सबका, और धन्यवाद भाई साहब मेरे को टाइम दिया, क्योंकि मेरा दिल था मैं दिल्ली से आया हूँ, और स्पेशल मेरा दिल था कि मैं अपने भतीजे के लिए थोड़ा बहुत। गुरु गोरखनाथ की, गुरु गोरखनाथ की, धन्यवाद। और धन्यवाद जोगी समाज का, जिन्होंने आज अपने बेटे अपने भाई के सिर पर आज ये जिम्मेवारी की पगड़ी बांधी, और पूरे समाज ने मुझे समर्थन दिया। अभी आपके सामने कोई पत्रकार साथी सवाल पूछ रहे थे, वो पूछ रहे थे कि वो आप पे आरोप लगा रहे हैं कि इसके साथ जाति विशेष के लोग हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं, गन्नौर हलके की 36 बिरादरी ने, दलित वर्ग ने, बैकवर्ड वर्ग ने, जनरल वर्ग ने, सब ने, 36 बिरादरी ने 12 तारीख को गन्नौर की अनाज मंडी में इस बेटे को आशीर्वाद किया था और मेरी टिकट की घोषणा कर दी थी कि देवेंद्र कादियान की टिकट का नाम है गन्नौर हलके की 36 बिरादरी, ये मेरी टिकट का नाम। हमारे समाज के कुछ प्रमुख लोगों के नाम इस पे हैं, श्री कंवर भान जी, राम कुमार जी भुर्री, रामफल जी भुर्री से, मास्टर कपूर सिंह जी, श्री प्रेमानंद जी, श्री हरिओम, श्री हरिओम, श्री हरिओम ओम प्रकाश जी, जो हमारे अंकल मेरे पास खड़े हैं बैठे हैं, श्री दिलबाग सिंह भावर से, श्री रामचंद्र जी गन्नौर से, गोपी राम जी, श्री रामनाथ जी, मुकेश कुमार रामनगर से, होकमा विजेंद्र महेंद्र सिंह केड़ी गुजर से, श्री बलवान सिंह जी, पूर्ण सिंह गन्नौर से, जसवंत फौजी ईरमाजरा से, राजेश सुनील दिनकड़, श्यामलाल शास्त्री मोनो, और बहुत सारे। प्रधान जी को नाम लिख दिया ना, मास्टर जी श्यामलाल जी, विशेष धन्यवाद प्रधान जी का, ओम प्रकाश जी का, और संपूर्ण समाज का। आज यदि इस पूरे प्रोग्राम में इतने लोग बैठे हैं, हो सकता है 600-700 लोग इस कार्यक्रम में होंगे, 600-700 लोगों में से एक आदमी जिसको इस जगह पर आके सबसे ज्यादा खुशी हुई है वो मैं स्वयं हूं, मैं देवेंद्र कादियान हूं। इसका एक कारण है, इसका एक कारण है, आज से लगभग 9 साल पहले ये जो भव्य मंदिर आप देख रहे हैं, इसकी जब शुरुआत करनी थी, ओम प्रकाश जी बैठे हैं, समाज के लोग बैठे हैं, मुझे याद तो नहीं गन्नौर आए थे कि घर पे आए थे, कहाँ आए थे, यहीं आए थे। इसके इस हवन में एक छोटी सी आहुति शुरुआत में, जब ये मन बनाया कि हमने ये कार्य करना, शुभ कार्य गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से, तो जो पहला कदम हम सब ने रखा था उस कदम में मैं भी शामिल था। आज इस भव्य इमारत को देख के मुझे खुशी होती है, हालांकि ये किसी एक आदमी से नहीं होते काम, सर्व समाज लगता है 36 बिरादरी इन चीजों में योगदान देती है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है, पहले दिन जब आए थे तो केवल हम खाली इस जगह पर दूर वहां गली में से खड़े होकर देख के गए थे, और पहली आहुति मैंने यहाँ पर दी थी पहले। और सभी सम्मानितों को महामारी मातृशक्ति आई है, मेरे पिता तो बुजुर्ग है, जवान साथी, प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका भी आभार अभिनंदन,
धन्यवाद, आपने इतना सम्मान दिया, प्यार दिया। और अभी तो आचार संहिता लगी है, बहुत सारी चीजों पे हमारी पाबंदी, लेकिन हमारे प्रधान जी को भी पता है, मैं जब भी ऐसे मौके पे आता हूँ तो हमेशा अपनी ओर की कोई ना कोई आहुति देके जाता हूँ। और इनको पता है भाई हमारी बाउंड्री केवल 8 तारीख तक है, तो आज आए हैं तो 8 तारीख को दोबारा आपके पास संदेश भेजेंगे, जो हमारी आहुति होगी उसे इनका कहेंगे। मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, अभी बात कर रहे थे पत्रकारों के सामने, वही चीज दिमाग में घूम रही, हमने बीजेपी पार्टी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पिछला चुनाव अपना त्याग दिया, वरना चुनाव लड़ते शायद जीतते हारते, लेकिन बीजेपी नहीं जीत पाती, इस बात की गारंटी। यहां से बीजेपी नहीं जीत पाती, हमने अपना समझकर चुनाव लड़ा, बिल्कुल अपना समझकर, झोली फैला फैला वोट मांगे बीजेपी के लिए। पहली बार यहां से बीजेपी का कमल खिला था यहां से। 2024 में आप सब इस बात के साक्ष्य बैठे, कौन आदमी मेहनत करने वाला, किसने पार्टी के लिए भाए, किसने सब कुछ झोंक दिया, तन मन धन परिवार के भी संभालने की, पार्टी के लिए पागलपन तरीके से काम किया। और हर आदमी की जुबान पे ये था कि केवल देवेंद्र कादियान यहां से जीत सकता है, केवल देवेंद्र कादियान यहां से जीत सकता है। तो ऐसा कौन सा खेल हुआ, टिकट लेने वालों में क्या खासियत है, मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं। हमें क्यों मिला, हम नहीं चाहते इतने करोड़ों रुपए, हम तो वो करोड़ों रुपए गरीबों की मदद में लगा सकते हैं, टिकट नहीं। हम तो गंगोर से बाहर इस जिले में और एम्बुलेंस सेवा चालू कर सकते हैं, यदि परमात्मा इतने पैसे देगा इन सेवाओं को बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक कागज के टुकड़े के पीछे हम इतने पैसे नहीं दे सकते। हमने केवल और केवल सेवा करी है और इस गन्नौर को बदलने के भाव से आए हैं। विशेष तौर पर जो लोग पीछे रह गए, जो समाज पीछे रह गए, उनको उठाना, उनको आगे पहुंचाना, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा, उनका अच्छा स्वास्थ्य, इस बात की यदि किसी ने फिक्र की है वो देवेंद्र कादियान ने फिक्र की। ये लोग आते हैं, दोनों जो प्रत्याशी कांग्रेस और बीजेपी के, एक 40-50 साल से सोनीपत जिले की राजनीति कर रहे हैं, दूसरा 35 साल से, चाहे बंसीलाल की सरकार रही हो, कांग्रेस हो, जो हो, सूंघ लेते हैं कौन सी पार्टी की हवा है। अपने ठावे कोठड़ी ने तारे हैं, पैसा गिने, टिकट लावे हैं, फिर 5 साल जनता से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब। अपने आप को उस पैसे को कैसे 100 गुना करना है, बस ये फार्मूला इनके पास है। इसलिए बहुत लंबा चौड़ा बोलते हुए मैं तो सिर्फ ये बात कहना चाहता हूं, इस गन्नौर हलके की पूरे बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, वोटर, एक सिंगल भी वोट उसको नहीं डाल रहा, एक सिंगल सिंगल बीजेपी का कोई भी वोटर जिसको टिकट मिली है एक भी नहीं डाल रहा, क्योंकि सबको पता है हमारे बेटे के साथ, भाई के साथ अन्याय हुआ है। और सबने मन बना लिया है कि पार्टी को भी एक सबक ये देंगे कि भैया आज टिकट सोच समझ के बैठा करो, सबने मन बना लिया, ताकि पार्टी को पता लग जाए टिकट का हकदार कौन, चुनाव जीतने वाला कौन। और यदि पैसे के दम पर सारा खेल खेलते हैं, फिर भाषण देते हैं बीजेपी में वह परिवारवाद की राजनीति नहीं करेंगे, पैसों से ये नहीं होगा। इसलिए जैसे भी जो हुआ, जो गलती, हमें उस बात से मतलब नहीं है, अब हम पार्टी से बाहर हैं। 36 बिरादरी के लोगों का आशीर्वाद है और मातृशक्ति तो जहां जाता हूं सिर पे हाथ रख के यही बोलते, बेटा घबराना मत, बेटा घबराना मत। इसलिए मेरे अंदर जो ऊर्जा का संचार है, जो ये हौसला है, वो केवल मेरे इस गन्नौर हलके के 36 बिरादरी के लोगों ने दिया है। हमारे अंकल ने भी याद दिलाया सैनिकों का सम्मान, हमने 3 कार्यक्रम किए, एक तो चलो छोटा था लेकिन 2 बड़े कार्यक्रम हमने सम्मान में रखे सैनिकों के, सबका सम्मान किया, क्योंकि सैनिक
एक ऐसा बहादुर इंसान होता है, जब बॉर्डर पे होता है तभी भी देश की रक्षा करता है और रिटायरमेंट के बाद भी देश में अपनी समाज में भूमिका निभाता है, समाज को सभ्य बनाने में, अनुशासित करने में वो अपना पूरा जीवन लगा देता है। इसलिए मैं तो सिर्फ एक बात आपसे कह रहा हूं, एक तो इन लोगों ने कई दिन से बहुत बड़े बड़े हवा छोड़ रखे, हवे छोड़ रखे, ये कह रहे हैं कि 30 तारीख को 2 तारीख को ऐसा भूचाल गन्नौर हल्के में आएगा, इलेक्शन को इधर से इधर पलट देंगे, वहां भी ट्रक उतार देंगे पैसे के, वहां भी उतार देंगे, वहां भी उतार देंगे। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, हर जगह निवेदन कर दूं कि भाई ऊंधा हमने इनके ऐड कर दिए हैं, एक बंदू और देख लो ये कितने पैसे आड़े हैं भैया, और देख लो ये आना नुकद है भाई कि मैं 5-4 करोड़ मारे खेड़ी गुजर खातर भी तो सतकुंभे में अपना वो बना लेंगे भव्य मंदिर ले लो इनपे। पहला इनका साहूकार चेक कर लो एक बार, कितने बड़े साहूकार, और कोसा और भाई इनका चेला छपेला रात ना आगे घरा खुसर खुसर करे, अरे जोड़ा हाथ में पाजा, हालांकि मैंने दिल देख नहीं लिया जोड़ा धोड़े रंग का काले का, पर रुके बहुत पट रहे हैं तो उसने नाटिया मत नुकते बाड़ा कुंड में दर्दे हाथ लगाओ नहीं, पर यार दर्दे नाटना नहीं, वो जोड़े ने दरवा गए तड़के अपने खेड़ी वाले को छड़न दी, पर इनके रुपये कटवाओ एक बहन का साहूकार, और देख लो बतेरे गरीबा के खून चूस रखे, खेल खेल रखे हैं बतेरे जमीन आए इन्होंने खेल खेल रखे, पैसा कोई जिक्र करे इनका चेला ये देखो दाव नहीं को गांव में पाओगे इनका, उससे जब थरे कान में कुछ कहो पहले रनू कह दियो भाई इस काम राम ते करते हो ना 5-4 करोड़ रुपये जब इतनी महंगी टिकट ले रहे हो, अनी फ्री इतने बाड़ा भाई साहब राम राम तक गायब हो रहा है। चलो हमारी छोरी है भाई, हम तो बाण है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं पैसा छोड़ना नहीं। एक बार एक भाई जो पहली बात तो मैंने लगे सब कुछ हवा हो, मैं आमने दीप्ती एक बोरा भी ना देख लिया कुछ भी, अब इन्हें के रुके मार रहे बोला 30 तारीख ना पलट देंगे भाई, ये गन्नौर हल्का है, यहाँ स्वाभिमान लोग रहते हैं, ये करम पुरुषों का हल्का है, ये आपको खरीद देंगे, इनको क्या खरीदोगे, आपको ही खरीद, लेकिन मैं ये मेरे अपने मन के भाव, यदि कोई आदमी इनका आ जाए और जो लोग यहाँ नहीं है गांव के भाई किसी काम में बिजी हो सकते हैं उनको भी कहना है नगद भाई वाह जब पोटली थारे हाथ लाग जा तो उन्हें धरा लियो तड़के गौशाला में उड़ पहुंचा दे, छोड़ना नहीं नू मत करियो नाटोगे फिर 5-4 गेड़े फालतू मारेंगे उसके चेले, अगर ना जी काम करना पड़ेगा भाई काम पहले चक्कर में कर जा तू धर देना ले गए धर के तड़के गौशाला मार जून सा असली काम है 5 तारीख ने इनका जून सा वो रो काटना है वो 5 दिन काट दिया। एक हमारी माता जब उस मशीन का जब बटन दबाएगी वो डालने जाएगी, एक बटन से दोनों बीमारी पटेंगे जड़ते दोनों। पहली बार सूत माई है ये बैठे ओम प्रकाश सर जी मारे अंकल ने, इनने सारी जिंदगी काट दी, पहली बार थे हैं दोनों, पहली बार दोनों थे हैं, एक एमएलए का इलेक्शन लड़ा था एक एमपी का, अंधेरी नारी पार्टी वो उसकी मदद करते वो उसकी, रात ने दोनों बता ले इबके ने दोनों शाम आ गए कर रहे हो उसका मेरा बस्ता था मिले का तू था मिले तो करने हो जाए फिर कदम सोचो दोबारा मौका होगा इबके ने मुश्किल ही था ये के मेरा क्यों करे, परमात्मा राजी होया है गुरु गोरखनाथ का आशीर्वाद है, यही था सारी चीज जो उसने करी ठीक करी है। इसलिए इन सारी चीजों का ध्यान रखना है, और जैसे हमारे साथी अरुण ने बताया हमारा जो चुनाव चिन्ह है वो गैस सिलेंडर का है, हरे ये देख छोटे नेता ने काट दिया सिलेंडर कितने आयो है तीन घंटे जाऊंगा
इसने फेल होना है और कोई बात नहीं। तो हमारा जो चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर का है, हर घर का हर रसोई का प्रतीक है, हमारी मातृशक्ति का प्रतीक है। बैलेट नंबर 9 है, जैसे अरुण भाई ने बताया, नवरात्रे तीसरा जो नवरात्रा होगा उस दिन वोट डलेंगी, छठा जब नवरात्रा होगा उस दिन गिनती होगी। 3 और 6 को जब जोड़ते हैं तो 9 होते हैं, और परमात्मा ने 9 नंबर हमें इतना लकी दिया है। जो 36 बिरादरी के बेटे का जब जोड़ होता है 3 और 6 का, वो भी 9 होता है, ये हमारा शुभ नंबर है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, विशेष तौर पर जोगी समाज का, प्रधान जी का, ओम प्रकाश जी का, जितने भी सम्मानित मेरे चाचा ताऊ सम्मानित बैठे हैं, पूरे समाज का, संपूर्ण समाज का दिल से आभार। और एक बात का वादा करके जाता हूँ, आज ऐसे मौके पर आपने बेटे भाई के कंधों पे सिर पे हाथ रखा है, इस समाज ने हमेशा, जब तक मेरे अंदर जान है, आखिरी सांस चलेगी, समाज की भलाई के लिए लड़ता रहूंगा, काम करूंगा।